हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कि इस तरह का एक डिजिटल पेंटिंग। ये इमेज है भारतीय सिनेमा की एक मशहूर कलाकार इरफान खान की। आज 29 अप्रैल 2020 इनका स्वर्गवास हो गया। तो आज हम लोग ये प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, ये मेरी तरफ से और मेरे चैनल पे सारे सब्सक्राइबर और मेरे चैनल को जितना सब वॉच करते हैं, ये सब की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। तो चलिए ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे किया जाता है इसको मैं देखते हैं। इसको बंद कर देता हूँ। मैंने ये फ़ोटो चुना है इरफान खान जी का। तो और मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। इसका साइज मैं लेता हूँ 12 इंचेस बाय 8 इंचेस, रेजोल्यूशन 200 दिया। इसको मैं आरजीबी कलर मोड पर रखते हुए इस फोटो को मैं यहाँ पे कॉपी किया, इस पर पेस्ट कर दिया। ये फोटो मैं सिर्फ इतना सा ही लेना चाहूँगा, बाकी इतना को इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसको मैं कंट्रोल टी से इस तरह से बड़ा कर दिया। अब इसको मैं कट आउट कर दूंगा। क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इस तरह से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्विक सिलेक्शन के काम मैं इससे पहले बहुत बार किया, आप सबको पता भी होगा। कुछ फ्रेंड इसमें काम करते भी होंगे, जो फ्रेंड नहीं करते होंगे क्विक सिलेक्शन से, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर क्विक सिलेक्शन से काम कीजिए। बहुत अच्छा ये टूल है और बहुत ही खूबसूरत सा सिलेक्शन होता है और कटिंग के मामले में ये बहुत अच्छा खूब टूल है। तो प्लीज़ आप इसको यूज़ कीजिएगा। इस तरह से छोटा छोटा पार्ट में इसका सिलेक्शन कर लीजिए। छोटा मोटा कहीं अगर बाहर भी निकल जाएगा तो आप उसको वापस अब लेसर टूल से इसको ऐड और माइनस कर सकते हो। चलो इस तरह से यहाँ पे हेयर के यहाँ पे भी थोड़ा सा फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिफाइन एज पे जाऊँगा। इस तरह से इसका मैं फेदर थोड़ा सा बढ़ा के इसको मैं ओके कर दूँगा। फिर जो सिलेक्शन है इसको मैं इस तरह से इसको इन्वर्स कर दूंगा। शिफ्ट कंट्रोल आई से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से मूव टूल लूंगा और कीबोर्ड से इसको सीधा डिलीट मार दूंगा इस तरह से। और नीचे का जो बैकग्राउंड है इसमें फिलहाल मैं एक यहाँ पे ग्रेडियंट देकर रखता हूँ, इस तरह का एक ग्रेडियंट छोड़ के रखता हूँ, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। चलिए इस तरह का। अभी इसमें थोड़ा सा मैं शार्पनेस देना चाहूँगा, फिल्टर में गया, शार्पन में गया और यहाँ पर स्मार्ट शार्पनेस थोड़ा सा इस तरह सा और थोड़ा सा कम कर देंगे। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया इस तरह का, फिर को ओके कर देंगे। चलिए अभी यहाँ पे मैं स्मार्ट टूल लूँगा। स्मार्ट टूल में इसमें बहुत सारा ब्रश मिलेगा आपको इस तरह का। अगर आपको इस तरह का ब्रश नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे सारे ब्रश है, ये सब ब्रश को ऐड कर लीजिएगा। और इसका स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे 50% देकर रखा हूँ और यहाँ पे मोड नॉर्मल देकर रखा हूँ। फिर इसको मैं इस तरह से ड्रैग करता जाऊँगा। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगा इस तरह का देखने में, कहाँ पे क्या कैसा कैसा आपका रिफ्लेक्शन है या शेडो है या कलर है। भले मैं इसको ब्लैक एंड बनाऊंगा, फिलहाल मैं इसको इस तरह से पेंट कर लेता हूँ, फिर इसको ब्लैक एंड बनाऊंगा। जूम करने के काम जूम करके करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे कैसा लाइट है, कहाँ पे कैसा शेडो है, वो सब समझ में आएगा। उस हिसाब से आप इसको स्मार्ट टूल को ड्रैग करोगे। तरीका काम का वही है, कुछ गलत उल्टा सीधा नहीं करना।
धीरे धीरे इस तरह से छोटा छोटा पार्ट में अब इस तरह से शेडो वाइज जहाँ पे जैसा शेडो है उस तरह से आप इसको ड्रैग करते जाओ। यहाँ पे कान पे भी करना है, इस साइड पे भी करना है। स्किन के ऊपर पहले काम कर लेता हूँ, इस स्मार्च टूल पे कर रहा हूँ। इसका स्ट्रेंथ मैं 50% देके रखा। बहुत ही अच्छा ये टूल है, बहुत सारा काम में आ सकता है ये टूल। इसका एक बार यूज़ आपको पता हो जाएगा या इसका यूज़ आप अच्छा तरह से करने लग जाओगे तो बहुत काम में आता है ये टूल। थोड़ा सा बड़ा करके कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो शेडो समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसा शेडो है। शेडो हाईलाइट ये सब ध्यान पे रखते हुए ये काम करना है आपको। साठ के ऊपर भी ऐसे इस तरह से काम कर लूंगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से हेजी कर दूंगा क्योंकि पेंटिंग में इस तरह का ही होता है। पेंटिंग में उतना परफेक्ट नहीं दिखता है जितना फोटोग्राफी में दिखता है। साठ को भी मैं इस तरह से इसको एक ही ब्रश से पूरा काम कर रहा हूँ। देखिए स्किन में भी वही काम किया और साथ में भी वही काम करो। फिर हेयर पे काम करने के टाइम उसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जो ब्रश है यहाँ पे जो है इसको मैं हेयर जिस ब्रश से करूँगा उसी ब्रश से करूँगा, लेकिन फिलर इसको मैं इस ब्रश से कर देता हूँ। सिर्फ आपको ये ड्रैग सही तरह से करना है, इस और कुछ नहीं करना है आपको। ड्रैग जहाँ पे करोगे उल्टा सीधा इधर उधर नहीं करना है, एक ही तरफ ड्रैग करते जाना है। ड्रैग सही ढंग का करना होगा और कुछ नहीं। जिस तरह पे जहाँ पे जिस तरह से आपका सब्जेक्ट है मतलब शेडो हाईलाइट ये सब के ऊपर नज़र रखते हुए उसी तरह से आपको करना है इसको। जहाँ पर जैसा है वहाँ पर उस तरह से आपको करना है। इस तरह से आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर थोड़ा शैडो है तो शैडो के हिसाब से काम करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप भी इस तरह से कीजिएगा। मैं एक ही काम करते जा रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ। मैं एक ही कर रहा हूँ, एक ही ब्रास, एक ही सेटिंग, सब कुछ एक ही है। सिर्फ मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप सब देखते जाइए किस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये ड्रैग करने का स्टाइल भी आपको आना चाहिए, उल्टा सीधा ड्रैग कर देंगे तो नहीं होगा। छोटा छोटा पार्ट में ड्रैग कीजिए, माउस को छोड़िए और फिर ड्रैग कीजिए इस तरह से। ऐसा नहीं कि पूरा मैं एक साथ ड्रैग करूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटा छोटा पार्ट में ड्रैग कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। देखिए इतना तक मेरा हो गया। अभी हेयर के ऊपर काम करना है। हेयर के लिए मैंने राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और मैंने इस तरह का एक ब्रश लूँगा, इस तरह का एक ब्रश लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। इस तरह से आईब्रो को सिर्फ मैंने ब्रश चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम ही है। जिस तरह से मैं उसको कर रहा था उस ब्रश को ड्रैग, इसको भी उसी तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ब्रश चेंज हो गया। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से काम करते हुए अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी क्या हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सुलझाने का, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी हेयर के ऊपर काम करेंगे। मैं जहाँ पे जैसा है बाल उसी तरह से इसको भी मेरे को बनाना है। उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। जैसा है देखिए, मैं जिस तरह से बाल है उसी तरह से इसको बना रहा हूँ।
इस तरह से मैं हेयर पे काम किया और यहाँ पे मैंने बोला था जिस ब्रश से मैं हेयर पे काम करूँगा उसी ब्रश से इसको भी काम करूँगा, तो इसको भी मैं इस तरह से, सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए, तो चलिए फ्रेंड्स ये तो तैयार हो गया। अभी हम इसको डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। अभी नीचे का लेयर को ऑफ कर देता हूँ, इस लेयर को मैं यहाँ पे कीबोर्ड से डी प्रेस करूँगा और यहाँ पे देखिए जो ग्रे कलर है ये ब्लैक हो जाएगा। डी प्रेस किया, इमेज में गया, एडजस्टमेंट पर गया, इसको मैं कर दूँगा ग्रेडियंट में, इसको मैं ब्लैक एंड करूँगा इस तरह से, फिर इसको मैं ओके कर दूँगा। थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको अरेंज करना चाहूँगा बिल्कुल इस तरह से, फिर इसको मैं यहाँ पे जो एड लेयर मास्क है उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ब्रश टूल लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रश जो होता है वो वाला लूँगा और इसका हार्डनेस 0 रखूँगा और डायमीटर मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लूँगा इस तरह से। फिर ऊपर में फोरग्राउंड में मेरा ब्लैक रखते हुए इस तरह से इसको मैं मास्किंग कर दूँगा, चलो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से। फिर थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहूँगा तो इस तरह से मैं बढ़ा दूँगा। अभी नीचे में जो ग्रेडियंट दिया था उसको मैं हटा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे ब्रश टूल जो लिया उसको मैं यहाँ पे कलर पिक किया बिल्कुल इस तरह से और पीछे में एक नया लेयर लेता हूँ और बिल्कुल इस तरह से मैं इसको देता हूँ। अभी यहाँ से ही कलर मैं पिक करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस तरह से यहाँ से ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, आइडिया पर आ जाएगा और इस तरह से आप कलर पिक करते हो, या तो आप यहाँ से भी इस तरह से आप कलर लीजिए, इस तरह से कलर लीजिए, फिर ब्रश टूल लीजिए, फिर कीजिए। लेकिन ये बहुत ही लंबा चौड़ा काम है इसीलिए मैं ब्रश टूल पर रहते हुए ऑल्ट पे क्लिक किया और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर कलर दे दिया, चलिए इस तरह से। फिर मैं क्या करूँगा इसी लेयर पर रहते हुए यहाँ पे स्मार्च टूल लूँगा और स्मार्च टूल में मैं इस तरह का एक ब्रश लूँगा। ये सब ब्रश डिफॉल्ट ब्रश है, इस तरह का एक ब्रश लूँगा, सब डिफॉल्ट ब्रश है। आप इस तरह इसको मैं ड्रैग करूँगा इस तरह से, इसका भी स्ट्रेंथ में 50% होगा। ये सब डिफॉल्ट स्मार्च टूल में सब डिफॉल्ट है ये सब। अब मैंने आपको जैसे बोला उस तरह सब ऐड कर लो, अब देखो आपको दिखने लगेगा ये सब। बिल्कुल इस तरह से, बस फिर मूव कर लीजिए इस लेयर पे रहते हुए कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक कीजिए, ये सिलेक्शन हो गया। फिर एक नया लेयर लीजिए, फिर यहाँ से ब्रश टूल लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ब्रश और नॉर्मली जो एक ब्रश होता है इस तरह का एक ब्रश लीजिए, इसका हार्डनेस आप 40% रखिए, फिर इस तरह से ऊपर में व्हाइट दीजिए और इस तरह से इसको थोड़ा सा लाइट लाइट सा इस तरह से आप इसको कर दीजिए, फिर इसको
कंट्रोल डी कीजिए, अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए इस तरह से, बस इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको ओपेसिटी को 60-70 का अंदर रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमारी एक बहुत ही हुनर कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक पोर्ट्रेट बन गया, ये हम सब की तरफ से इनके ये श्रद्धांजलि है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ट्रिक्स, मेरा ये प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।